ओके चलिए अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे आज का वर्क फ्लो। आपको कल मैंने कुछ करने के लिए बोला था, एक फील्ड बनाने के लिए बोला था, क्लियर हो गया? अभी आज मैं क्या करूँगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा वर्किंग क्या है बताता हूँ मैं आपको। हम लोग दो फील्ड देखेंगे। फील्ड अपडेशन का मतलब क्या होता है, ये आपकी ट्यूशन फ़ी है, ये स्टूडेंट डिटेल के अंदर बताता हूँ। चलिए, ये आपका स्टूडेंट डिटेल है, ये स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट है आपका, डिटेल ऑब्जेक्ट है आपका, और ये आप लोगों का ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी है, ओके। और ये आपका एक मैंने बना के रखा है, एक दूसरा और एक फील्ड बना के रखा था, पिकलिज बना के रखी थी, ध्यान दीजिएगा, एक पिकलिज बना के रखी थी, ओके। एक 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 हमने पिकलिज बना के रखी थी, एक पिकलिज बना के रखी थी, और उसका नाम अपन ने फी स्टेटस दिया था, याद आता होगा तो आपको, कल बनाया था ना मैंने, हमने यस बनाया था क्या? यस सर, यस सर। आपने बनाया होगा तो आपका लुकआउट है। तो देखिए यहाँ पे तीन फील्ड थी, जैसे ही मैं यहाँ पे 25,000 डालूंगा, 25,000 डालूंगा, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए फुल पेड करके, लेकिन ये आना चाहिए वर्क फ्लो के थ्रू। मतलब इसका मतलब ये फील्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ओके, ये जो ट्यूशन फी है वो इस फील्ड के ऊपर डिपेंड रहनी चाहिए, ये इसके ऊपर डिपेंड रहनी चाहिए, क्लियर हो गया? आपका जो फी स्टेटस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, आपका ट्यूशन फी के ऊपर। ट्यूशन फी 25,000 आ जाएगा तो वो क्या करेगा, आपका फी स्टेटस को ऑटोमेटिकली फुल पेड करेगा बाय यूजिंग वर्क फ्लो। तो ये होता है वर्क फ्लो, वर्क फ्लो तरीके हम लोग करेंगे, वर्क फ्लो, वर्क फ्लो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फील्ड को अपडेट करते हैं, वर्क फ्लो फॉर फील्ड अपडेट, अपडेट या अपडेशन, इतना क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताइए, ओके। हम लोग वर्क फ्लो थ्रू क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ 25,000 आएगा यहाँ पे फुल पेड आ जाएगा, या फिर 15,000 आ जाएगा तो यहाँ पे हाफ पेड आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करूँगे तो यहाँ पे नो पेड करके आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि हमारी ये ट्यूशन फी के ऊपर ये फील आपकी डिपेंड है। इफ़ यू राइट डाउन द 25,000 इन द ट्यूशन फी, दैट टाइम फी स्टेटस इज फुल पेड। इफ़ यू राइट डाउन द 15,000, दैट टाइम फी स्टेटस इज हाफ पेड। इफ़ यू हैव द नो ट्यूशन फी, दैट टाइम फी स्टेटस इज नो पेड करके। और दिस फील्ड मतलब फी स्टेटस फीस इज डिपेंडिंग ऑन योर ट्यूशन फीस, ओके, एंड यू अपडेट द फी स्टेटस बाई यूजिंग ट्यूशन फी यूजिंग वर्क फ्लो, वर्क फ्लो के थ्रू ओपन करेंगे, ओके। तभी अपने को देखना है, और एज वेल एज एक आपको मेल भी आना चाहिए कि यस आपका ट्यूशन फी फुल, आपका ट्यूशन फी पूरा कंप्लीट हुआ है और फी स्टेटस फुल है करके, ऐसा मेल भी आना चाहिए, और ऑटोमेटिकली आपकी ट्यूशन फी के ऊपर फी स्टेटस वर्क होना चाहिए, मतलब वर्किंग होना चाहिए, उसको बोलते हैं फील्ड अपडेशन, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्यूशन फी में हम लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, बता देता हूँ। आपने नहीं बनाया होगा तो आपका लुकआउट है, आप प्लीज़ बना के रखिएगा। फर्स्ट नेम है, उसके बाद हम लोगों ने बना के रखा है क्या, फी स्टेटस, फी स्टेटस मैंने बनाया क्या यहाँ पे, चलिए कल्याणी की नहीं सर, अपने आँख में नहीं था। हाँ अपन काम अपने आँख में नहीं है सर, फी स्टेटस नहीं बनाया था, नहीं बनाया था ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भी पहले सबसे पहले फीस
स्टूडेंट डिटेल में फी स्टेटस बनाना है मुझे, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और सेटअप पे जाएंगे हम लोग। ओके, सेटअप पे जाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, स्टूडेंट डिटेल ये बना लेंगे अपन। ओके, और यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे हम लोग, न्यू पे जाते हम लोग, पिक लिस्ट पे जाते हम लोग, पिक लिस्ट के ऊपर मैं आपको मतलब बता दूंगा, पिक लिस्ट के ऊपर जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग दे देंगे फीस स्टेटस, फीस स्टेटस, फीस स्टेटस, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑन फुल पेड, दूसरा देंगे अपन हाफ पेड और तीसरा देंगे हम लोग नो पेड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अपन चेक करेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट, और यहाँ पे अपन सेव कर देते हैं। चलिए बन गया ये, चेक करने तो देखो हमारा फी स्टेटस चेक हो गया, बन गया होगा तो देखो फी स्टेटस बन गया आपका पिक लिस्ट। ओके, चेक करेंगे हम लोग, इसको रिफ्रेश करेंगे और हम लोग चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे वर्क रहेगा, तो किस तरह से रहेगा, तो क्या करना है मुझे बाय यूजिंग वर्क फ्लो। तो यहाँ पे देखिए अपन कुछ भी देंगे, ये ट्यूशन फी आपकी, ट्यूशन फी के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे फी स्टेटस आया क्या, नहीं आया लगता, ये फी स्टेटस आया हुआ है देखो यहाँ पे आया, क्लियर हुआ क्या? यस, अरे यस और नो? यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 25,000 डालूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं 25,000 डाल देंगे हम लोग, तो दैट टाइम फी स्टेटस आपको आएगा फुल पेड करके। अनुराधा समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, और जैसे मैं यहाँ पे 15,000 डाल दूंगा, यहाँ पे 15,000, ओके, तो यहाँ पे आपका हाफ पेड आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक भी रुपया नहीं रहेगा, 0,000, तो दैट टाइम यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको? नो पेड करके आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस, ओके, मतलब ये ट्यूशन फी के ऊपर फी स्टेटस डिपेंड रहना चाहिए, लेकिन अभी ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए बाय यूजिंग वर्क फ्लो। क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट? चलिए अपन वर्क फ्लो बनाएंगे। अब वर्क फ्लो बनाना है तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको वापस डुप्लीकेट में चले जाते हैं हम लोग, वर्क फ्लो बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर वे से। ओके, हम लोग वर्क फ्लो बनाएंगे तो यहाँ होम पे जाते हैं हम लोग, होम पे जाने के बाद यहाँ पे वर्क फ्लो, चलो यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, न्यू, कोई एक्टिव है क्या वर्क फ्लो, चेक करो, नहीं है फिलहाल तो नहीं है, एक भी एक्टिव, सभी एक्टिव है लगता। ओके, डीएक्टिव करके रखो पहले थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा तकलीफ जाती है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। एचटीएमएल बना के रखे अपन ने, अपन ये ऑर्ग यूज़ कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्ग यूज़ कर रहे हैं? हेलो, नहीं सर, अपन दीक्षा वाला यूज़ कर रहे थे कल। नहीं नहीं नहीं, अपन जनरल में रोज कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? दीक्षा, दीक्षा निमगढ़े, निमगढ़े यूज़ कर रहे हैं क्या? चलिए मैं वही तो बता रहा हूँ ना यार, चलिए, क्योंकि इसमें नहीं क्या मैसेज नहीं जाएगा, चलो अभी बना लेते हैं हम लोग, लेकिन इसमें मैसेज नहीं आता आपको, बड़ा प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि मैंने ये आर्क में नहीं किया, ये याहू में बनाया ना, तो यहाँ पे ये देखो याहू में बना था ना, मैसेज ही नहीं जाता यहाँ पे, बड़ा प्रॉब्लम जाता है यार। चलो अपन ट्राई कर लेते हैं, आप लोगों को फील्ड अपडेशन समझ में आ जाएगा। ओके, वो मैं क्लियर करवा देता हूँ यहाँ पे, अभी वर्क कर रहे हैं तो यहीं पे देखते हैं। चलिए अपन वर्क फ्लो में जाते हैं हम लोग, सॉरी होम पे जाते हैं हम लोग, होम पे जाने के बाद वर्क फ्लो में जाते हैं, मैसेज नहीं आएगा यहाँ पे, बड़ा प्रॉब्लम जाता है। चलो न्यू में जाते हैं हम लोग, सबको डीएक्टिव कर दिया अपन ने, ओके, डीएक्टिव कर दिया, या एक्टिव आया मतलब ये डीएक्टिव है सब, ये देखो यहाँ पे क्लिक नहीं है। चलो न्यू में जाते हैं हम लोग, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है मुझे, इतना तो आ जाता है अभी अभी आपको। हम लोग कहाँ पे जाएंगे? स्टूडेंट डिटेल के, स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर जाएंगे हम लोग,
चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे रूल लिखेंगे अपन, अनुराग करके यूज करेंगे अपन, अनुराग यूज करेंगे, अनुराग वर्कफ्लो, अनुराग वर्कफ्लो फॉर फील्ड अपडेशन। ओके अपडेशन करेंगे हम लोग, और अपन क्रिएट पे जाते हैं, मतलब न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, तब की बात बता रहा हूँ। ओके न्यू क्रिएट नहीं, हम लोग क्रिएट एंड एवरी टाइम एडिट, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, जो आपका पुराना रिकॉर्ड है, जैसे ये महेश का पुराना रिकॉर्ड है, इज इट क्लियर, ये महेश का पुराना रिकॉर्ड है, इसको अपन वर्क करेंगे, नए रिकॉर्ड के ऊपर वर्क नहीं होगा, न्यू रिकॉर्ड के ऊपर वर्क नहीं होगा, पुराने रिकॉर्ड के ऊपर ही वर्क होगा, ध्यान दीजिएगा, पुराना रिकॉर्ड के ऊपर हम लोग जैसे ही यहाँ पे ट्यूशन फी डालेंगे 25,000, ओके, तो वैसे ही फी स्टेटस आपका क्या आना चाहिए, फुल पेड करके, क्लियर हो गया आपको। तो पहला रूल देखिए, मैं किसके ऊपर वर्क करने वाला हूँ, जो सेल्फोर्स के अंदर पहले से ही रिकॉर्ड्स है वो, क्योंकि ट्यूशन लगाते बराबर कोई भी 25,000 रुपये पूरी फीस नहीं भरेगा ना, पहले कुछ भी नहीं भरेगा, 7 दिन डेमो करेगा, बाद में 15,000 भरेगा, हाफ पेड हो जाएगा, और बाद में वापस 10,000 भरेगा, मतलब 25,000 हो जाएगा, तो फुल पेड हो जाएगा ना उसका। ओके तो हम लोगों को पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, क्लियर हुआ क्या आपको, पहला रूल हम yes, लोगों को पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना है यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो हम लोग क्रिएट एंड एवरी टाइम इट्स एडिट करके देते हैं, इतना क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताइए। यस सर। ओके अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया रहते हैं, क्रिएटेड आर मीट, और दूसरा रहता है आप लोगों का फार्मूला इवैल्यूएशन टू ट्रू, ये अपन डालते हैं, इसमें जाएंगे हम लोग तो ये फार्मूला फिल आ जाएंगे आपके, इस तरह से फार्मूला फिल आ जाएंगे, इज इट क्लियर। अब मुझे देखिए, अभी मैं फार्मूला बनाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, स्टूडेंट के, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट के नए रिकॉर्ड के साथ काम करना है मुझे, न्यू रिकॉर्ड के साथ फिलअप करके वर्क करना है, कि पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करना है, ओल्ड रिकॉर्ड। एक ही लड़की बात कर रही है अनुराधा, बस बाकी अनुराधा ही ना बात कर रहे, तो बाकी कोई नहीं बात कर रहा है। ओके मैं वापस बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है, जब मैं बात करता हूँ ना, आदत रहनी चाहिए, दिमाग को मुंह को आदत हो जाती है, किसी ने पूछा तो सेल्फोर्स के बारे में बोलने की आदत होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक साथ नहीं होती है, 3 महीने अपन कंटिन्यू बात करते रहेंगे ना, तो दैट टाइम आपको फैमिलियर हो जाएगा आपके दिमाग को, कि किसी ने क्वेश्चन पूछा तो फट से आंसर देना, आप बोलोगे जब मैं इंटरव्यू रहेगा मैं तभी दूंगा, तो आपका दिमाग खुलेगा ही नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कभी कभी पूछता हूँ यहाँ पे। तो वर्कफ्लो अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, पुराने रिकॉर्ड के साथ काम करना है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इज न्यू करके एक रहता है, इज न्यू, इसको क्लिक करेंगे, इसको डाल देंगे इज न्यू। अब मुझे नए डेटा के साथ वर्क करना है कि पुराने डेटा के साथ वर्क करना है, पुराने रिकॉर्ड के साथ, यस पुराने रिकॉर्ड के साथ काम करना है, लेकिन मैंने तो इज न्यू लिया है, मतलब वो क्या करेगा, नए रिकॉर्ड के साथ काम करेगा। अब ये फंक्शन को मुझे रिवर्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट, ये नॉट लगाना पड़ेगा। ओके और ये नॉट के अंदर मैं इज न्यू डाल देता हूँ, नहीं समझ में आया क्या आपको, बताओ मुझे, क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ। ओके यस सर। ओके देखो मुझे क्या करना है ना, पुराने रिकॉर्ड के साथ काम करना है, तो मुझे चेक करना है ना पुराना रिकॉर्ड की नया रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इज न्यू दिया है, मतलब ये इज न्यू नाउ का मेथड क्या करता है, ये रिकॉर्ड आपका पुराना नया है क्या, वो रिकॉर्ड को चेक करेगा, नया नया रिकॉर्ड मतलब पहली बार बना रहे वो रिकॉर्ड को चेक करेंगे, लेकिन अपने को ये काम नहीं करना, मुझे क्या करना है, पुराने रिकॉर्ड के साथ काम करना है, लेकिन मेरे पास इज ओल्ड नाम का फंक्शन है नहीं। ओके तो इज न्यू को मैं नॉट लगा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, इज ओल्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, पहला क्लियर हो गया आपको। उसके बाद कंडीशन क्या चेक करनी है मुझे बताओ बरा, दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है, मुझे ट्यूशन फी 25,000 रहेंगे तो, यस यस सर, समझ में आ रहा है क्या आपको, देखो ये देखो इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू जाएंगे हम लोग और 25,000 दे देंगे, ये सेकंड कंडीशन है, मैं बताता हूँ आपको कैसे लगेगा यहाँ पे, सेकंड कंडीशन मतलब मुझे ट्यूशन फी 25,000 आएंगी, तो मेरा फी स्टेटस क्या होना चाहिए, फुल पेड करके, यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताइए, यस तो ये ट्यूशन आपका 25,000 रहेगा, इतना क्लियर हो गया क्या, दो कंडीशन। लेकिन अभी क्या होता है, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कंफ्यूज मत नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर वे से देखो, वो जो फार्मूला बना रहा हूँ किस लिए बना रहा हूँ, किस तरह से
देखिए मुझे क्या होना चाहिए, फिश स्टेटस के अंदर ही चेंज करूंगा। देखो मैं मोबाइल के अंदर चेंज करूंगा, 1 2 3 4 ऐसा मोबाइल के अंदर चेंज करूंगा और सेव करूंगा, तो भी वो ईमेल आना नहीं चाहिए। मेल तभी आना चाहिए मुझे, मेल तभी आना चाहिए जब मैं कोई भी फील्ड में वर्क करता हूँ चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे ट्यूशन फी में, जब मैं 25,000 वर्क करूँगा, मतलब ट्यूशन फी में वर्क करूँगा, देखो मैं ईमेल भी वर्क फिलअप करूँगा, मैं यहाँ पे मेल भी डाल दूंगा या लास्ट नेम भी डाल दूंगा, तो ये फॉर्म के अंदर सिर्फ ट्यूशन फी करके एक ही फील्ड नहीं है ना, ऐसे नंबर ऑफ फील्ड्स है। ओके लेकिन मुझे ट्यूशन फी जब भी मैं वर्क करूँगा तो ट्यूशन फी में मैं कुछ चेंज करूँगा और ये फी स्टेटस तब ऑटोमेटिकली फुल पेड आना चाहिए। ओके समझ में आ रहा है क्या आपको? और उसके साथ यस में सर। मेल आना चाहिए, मेल आना चाहिए। लेकिन अभी ये फॉर्म के अंदर, ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर सिर्फ ट्यूशन फी और फी स्टेटस नहीं है ना, फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, मोबाइल नंबर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, बहुत जगह है यहाँ पे। तो क्या होता है कि मैं ये भी फिलअप करूँगा और मैं क्या करूँगा, ट्यूशन फी में फिलअप करूँगा, तो सब में वर्क करेंगे चलेगा, लेकिन ट्यूशन फी में जब आप 25,000 दोगे तभी ही आपका फी स्टेटस फुल पेड आना चाहिए और आपको मेल आना चाहिए। दूसरे फील्ड के ऊपर क्लिक करोगे या लिखोगे तो मेरे को ईमेल आना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब ये ट्यूशन फी के अंदर मुझे चेंज करेंगे तभी मेल आना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड रहता है, वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये 3 अपने को वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईज चेंज करके नाम का एक रहता है, ईज चेंज, ये देखो ईज चेंज नाम का एक मेथड रहता है, यहाँ लिखा हुआ है, चेक इफ द फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रायर वैल्यूज। इफ चेंज मतलब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, मेरे ट्यूशन फी के अंदर चेंज करेंगे ओके। देखो यार, तो देखो मुझे पुराने रिकॉर्ड के साथ काम करना है, तो मैं ये वर्क करूंगा। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? चलिए देखो, मैं पुराने रिकॉर्ड के साथ काम करूंगा तो नॉट इज न्यू यूज करूंगा। इतना क्लियर हो गया? मुझे फीस, ट्यूशन फीस 25,000 होनी चाहिए, याद है क्या? ट्यूशन फी 25,000 रहेंगी तो मेरे को फी स्टेटस में फुल पेड आना चाहिए। सेकंड, दूसरा चीज, मैं उस फॉर्म के अंदर कहीं पे भी चेंज करूँ चलेगा, लेकिन ट्यूशन फी में चेंज होगा ना तभी ईमेल आना चाहिए, मेल आना चाहिए मुझे, नहीं तो मैं कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दूंगा तो भी मेल आ जाएगा मेरे को। ऐसा नहीं, मैं ट्यूशन फी में कुछ चेंज करूंगा तो ही मुझे मेल आना चाहिए। तो मेरे पास 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन जब लागू होगी तभी मेरे को मेरा फील्ड अपडेट होना चाहिए और मेल आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको, ये बताओ मुझे? यस सर। ओके तो अभी हम लोग यस क्या, सर। हाँ यस, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए तीनों भी कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। जब तीनों भी कंडीशन एक साथ फुलफिल करने, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, एंड, याद है क्या आपको? यस, क्लियर हो गया आपको? हम लोग एंड यूज करते यस सर। ट्यूशन फी, और पहले इज न्यू का आ गया अपना, चलिए तो यहाँ पे लॉजिक लगा देते हैं हम लोग, वो चला गया तो लॉजिक, हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे हम लोग। नॉट लगा देते हैं हम लोग और नॉट के अंदर अपन इज न्यू लगा देते हैं। वो जो चला गया था ना, उसको मैं लेके आ रहा हूँ वापस। ओके इज न्यू ऐड कर देते हैं। चलिए ये आ गया नॉट के अंदर, पहला लॉजिक कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन, ये देखो ट्यूशन फी का कंडीशन यहाँ पे डाल देंगे, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एक्स बराबर एरो गिरो देख लेना, कंट्रोल वी, नहीं तो ये कॉमा कीमा भी डिलीट कर देते हैं आप लोग, और तीसरी फील्ड यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, ये देखो डॉट डॉट डी है ना, तो ये अपन यहाँ पे डाल देंगे। तो ये 3 कंडीशन मिला के आपका फॉर्मूला फील्ड बनता है, कंट्रोल एक्स। समझ में आया क्या आपको, मुझे बताओ इतना? यस यस सर। एनी डाउट्स? यस सर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अभी हम लोग इसको सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं, चेक करो इसका सिंटैक्स को, सिंटैक्स इज नो एरर, सेव एंड नेक्स्ट, सेव कर देते हैं हम लोग। चलिए वर्क लो गया आपका ये,
यस मेरा वर्कफ्लो बन गया, अब ये वर्कफ्लो बन गया मेरा, देखिए क्राइटेरिया बन गया, फॉर्मूला फिल। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इमीडिएट एक्शन करना है, क्योंकि देखिए मैंने सेकंड वाला लिया था क्रिएट एंड एडिट एडिट, तो उसमें टाइम डिपेंडेंस वर्क होता ही नहीं, पता है ना आपको, यू कैन नॉट बी, कि ये क्वेश्चन पूछा है तो यू कैन नॉट ऐड द टाइम डिपेंडेंसी वर्क फ्लो एक्शन बिकॉज यू वायलेटेड अ क्राइटेरियाज एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज अ क्रिएटेड और एडिटेड। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? वेट अ मिनट, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इमीडिएट एक्शन में चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे देखिए फील अपडेट में जाते हैं। तो अपन ने ईमेल अलर्ट पढ़ा था, अभी फील अपडेट में जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये नया निकलेगा यहाँ पे इस तरह से, क्लियर होते जा रहा है ना आपको, हम लोग फील अपडेट्स कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो देखिए ये फील अपडेट करते हैं, यहाँ पे फील अपडेट में नाम दे देते हैं हम लोग अनुराग, ये इंडिकेशन अपन वर्क कर रहे तो फील अपडेट। अपडेट्स क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे वही नाम आ जाएगा आपका, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन देना तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब कौन से फील्ड में अपडेट करना है, स्टूडेंट डिटेल के अंदर कौन से फील्ड में अपडेट करना है, मुझे कौन से फील्ड में अपडेट करना है, ट्यूशन फी में अपडेट करना है कि फी स्टेटस में अपडेट करना है, फी स्टेटस में अपडेट करना है ना आपको, समझ में आ रहा है कि आपको, आपको देखो ट्यूशन फी में 25,000 डालेंगे तो फीस स्टेटस अपडेट होना चाहिए और वहाँ पे फुल पेड आना चाहिए, यस और नो? क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो ये अपन फी स्टेटस डाल दिए, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो पिकलिस्ट में तीन वैल्यू है, फुल पेड, हाफ पेड और नो पेड, तो हम लोग क्या करेंगे, फुल पेड में जाएंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। यस क्लियर हो गया आपको? हेलो सर, हाँ बोलिए सर, मुझे कुछ ना था, आपने अभी फॉर्मूला फील्ड में क्राइटेरिया लगाया सर आपने, तो सर वैसे अगर फील्ड में अगर हम पहले लगा देते कल, नहीं क्या सर? वैसा नहीं है तो वैसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, मैं समझा देता हूँ कि वर्क फ्लो में कुछ ड्रॉबैक है, वर्क फ्लो में कुछ लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक है, इसलिए वर्क फ्लो यूज़ नहीं करते आजकल, आजकल हम लोग प्रोसेस बिल्डर यूज़ करते हैं, क्यों? क्लियर हो गया आपको? इसी के कारण यूज़ करते हैं, तो मैं उसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ, क्लियर हो गया आपको? मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या वहाँ पे ड्रॉबैक्स है वर्क फ्लो के अंदर, इज इट क्लियर? ओके सर, वर्क फ्लो के अंदर क्या ड्रॉबैक्स है मैं आपको रिकवर वही करवा देता हूँ। तो ये फी स्टेटस आपका आ गया फुल पेड, समझ में आ गया आपको, मैं ड्रॉबैक्स बताऊंगा वर्क फ्लो के, तो ये फी स्टेटस आपको फुल पेड आ गया, इज इट क्लियर? सेव इट, अपन इसको सेव कर देंगे हम लोग, ये मैंने सेव कर दिया, इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, फुल फील अपडेट, मतलब जैसे ही मैं 25,000 डाल दूंगा तो वैसे आपका फील चेंज होना चाहिए, इज इट क्लियर? और मुझे वापस से एक चीज़ करना है, यहाँ पे ईमेल अलर्ट भी देना है, मतलब एक ईमेल भी चला जाना चाहिए कि आपकी फ़ीस कंप्लीटेड हो गई करके, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे जाएंगे ईमेल अलर्ट भी दे देंगे, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया क्या? ओके, हम लोग एक साथ ईमेल भी अलर्ट कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, टास्क भी कर सकते हैं, चारों की चारों ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन दे देंगे अनुराग, अनुराग ईमेल अलर्ट, अलर्ट अनुराग ईमेल अलर्ट, और यहाँ पे अपन दे देंगे फील अपडेट, यूजिंग इसको क्लिक करेंगे हम लोग, बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस किस को जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपन यूज़र दे देते हैं, ईमेल अलर्ट, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या, कल्याणी कामड़े, उसको जाना चाहिए, और दूसरा हम लोग देते हैं ईमेल फील्ड, ये ऐड होना चाहिए, ओके, और एक तीसरा भी दे देते हैं अपन किसी का नाम, ओके, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ गौरी शंकर, सीसी भी दे देता हूँ, अब किस किस को आता है चेक करते हैं हम लोग, क्लियर हो गया? इसमें से जाता ही नहीं, बड़ा प्रॉब्लम जाता है ये, अब चालू तो कर दिया अपन, देख लेते हैं,
चलिए हो गया आपका। अभी अपने को ईमेल टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। यस हम लोग ईमेल टेम्पलेट में क्या लिखते हैं हम लोग? यस ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं मेरे दादा हम लोग। यस सर। चलिए यस सर। अपन डुप्लीकेट में जाते हैं और यहाँ पे अपन ईमेल टेम्पलेट डाल देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ओके वर्क फ्लो यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगेगा आपको। कोई है नहीं, कुछ भी है नहीं इसके अंदर। इसको क्लिक करेंगे, आपको न्यू बनाया है तो न्यू बनाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे एक आधा पुराना ही ले लेता हूँ, चल जाएगा आपका। ओके चलिए फिर न्यू बना देते हैं, टैक्सी बना देंगे हम लोग, टैक्स बना देते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे अपन नाम डाल देंगे, क्या नाम डाल देंगे अपन? ओके ईमेल टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे अनुराग नाम डाल देते हैं, मतलब इंडिकेशन हो जाएगा अनुराग ईमेल टेम्पलेट फॉर फील्ड अपडेशन यूजिंग, यूजिंग क्या रहेगा आपका? अपडेशन यूजिंग फॉर्मूला फील्ड। ये नाम दे दिया मैंने, इसको एक्टिव करना बहुत कंपलसरी होता है, एक्टिव नहीं करेंगे तो तकलीफ जाएंगे। चलो यहाँ पे सब्जेक्ट दे देते हम लोग। ओके ये सब्जेक्ट यही दे देते हम लोग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए और यहाँ पे अपन दे देंगे हाय, ओके यहाँ पे दे देंगे हम लोग नाम, जो भी नाम डालेंगे वो नाम डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे हम लोग जाते हैं फर्स्ट नेम, ओके कंट्रोल सी, और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग वो नाम, कंट्रोल वी। ओके आपको यहाँ पे फीस इज कंप्लीटेड, और यहाँ पे अपन ट्यूशन फी का भी डाल देते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेते ट्यूशन फी, ट्यूशन फी डाल देते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लेते कंट्रोल सी और चले जाते हैं यहाँ पे, वर्किंग कर देंगे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इज इट क्लियर? कंट्रोल सी। ओके यहाँ पे लिख लेते, थैंक यू। ये हो गया आपका, हम लोगों ने बना लिया इसको। ओके ऐड कर दो और यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव हो गया ईमेल टेम्पलेट, इसको अपन पीछे जाते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं अनुराग का आया होगा तो चेक करेंगे हम लोग। अनुराग फील फॉर आवर यूजिंग फॉर्मूला फील, यही था ना? चलिए इसको कर देंगे और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। चलिए सेव कर दिया तो मेरा वर्क फ्लो बन गया। अब वर्क फ्लो मेरा बन गया यहाँ पे, इज इट क्लियर? इसको अपडेट करना ज़रूरी है, एक्टिव करना ज़रूरी है, डन। कल मुझे एक मैसेज आया था ओके कि एक्टिव नहीं हो रहा, अब एक्टिव हो गया मेरा। क्लियर हो गया आपको? वर्क फ्लो चेक करना तो चेक कर सकते हैं, अनुराग वर्क फ्लो फॉर फील्ड अपडेशन चेक करेंगे, वो एक्टिव है कि नहीं है जाके चेक कर लेना। देखो यहाँ पे ऐसे एक्टिव दिखेगा। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? चलिए अपन अपन अपनी इसमें जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं। अब मुझे नया रिकॉर्ड पर वर्क करना है कि पुराने रिकॉर्ड पर वर्क करना है बताइए मुझे। ओल्ड रिकॉर्ड के ऊपर वर्क करना है। ओके तब ये महेश का ही रिकॉर्ड दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एडिट में जाते हैं हम लोग, इसमें मॉडिफाइड करते हैं। देखो मिडल नेम दे देते हैं महेश का, मुझे पता नहीं XYZ, उसके बाद महेश का नाम है ताइडे, यहाँ पे तब तक नहीं किया, मैसेज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? बाद में मेल कर देंगे बाद में। यहाँ पे देखिए फी स्टेटस वो खुद चेंज नहीं होना चाहिए। ओके मैं जैसे ही यहाँ पे ट्यूशन पे ईमेल मोबाइल नंबर दे देता हूँ 1234567 9, ध्यान दीजिएगा ईमेल आईडी देता हूँ mahesh@gmail.com, ये देता हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
ये नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ट्यूशन फी 25,000 दे दूंगा, तो मैंने वहाँ पे डाला था ना ईच चेंज ट्यूशन फी, तो ट्यूशन फी में मैं जैसे ही चेंज करूँगा वैसे ही मुझे मेल जाना चाहिए, क्लियर हो गया। और दूसरा मैंने क्या किया, ट्यूशन फी जैसी 25,000 रहेंगी वैसे ही यहाँ पे फी स्टेटस कितना आना चाहिए, फुल पेड आना चाहिए, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। और हमने नए रिकॉर्ड पे काम करना है कि पुराने रिकॉर्ड पे काम करना है, पुराने रिकॉर्ड में, इसलिए उसके अंदर नॉट उसके अंदर इज न्यू डाला था, तो इज न्यू मतलब न्यू को नॉट कर दिया मतलब ओल्ड हो जाएगा पहला। दूसरा अपन ने वहाँ पे कंडीशन कौन सी, ट्यूशन फी 25,000 रहेगा तो ही फुल फी स्टेटस में फुल पेड आना चाहिए। तीसरा क्या डाला था हम लोगों ने, बाकी चेंज करो मत करो, ट्यूशन फी जैसी चेंज होगा तो मेल आना चाहिए आपको, तो अपने ऐसे सेव कर देते इसको। चलो सेव कर देंगे हम लोग, जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा ध्यान दीजिएगा, टेक सम टाइम, ये सेव हो गया मेरा ट्यूशन फी। देखो यहाँ इसको रिफ्रेश कर दो एक बार, चेक करेंगे हम। जैसे ही मैं ट्यूशन फी को ये करता हूँ यहाँ पे, देखो अभी महेश का हम लोग देखेंगे, देखो ट्यूशन फी 25,000 आ गया, तो ये देखो फुल पेड आ गया ऑटोमेटिकली, यस। तो जैसे ही मैंने ट्यूशन फी 25 कर दिया और सेव कर दिया, तो मेरा वर्कफ्लो इमीडिएट रन हो गया, और इमीडिएट रन करके उसने क्या कर दिया, फुल पेड हो गया। और एट द सेम टाइम उसने क्या कर दिया, आपको एक मेल भी भेजा होगा, मेल आता ही नहीं यार इसमें, ये इसमें आता ही नहीं, इसलिए मैं तुमको नहीं क्या क्या बताऊँ यार, ये मेल ही नहीं आता इसमें, होता है कभी 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 एक आधे इसमें हो जाता है, लेते यहाँ पे मेल आया रहता आपको। ये सत्कार चोपड़े ने बनाया ट्यूशन फी, देखो अनिकेत फटिक ने भी बनाया यहाँ पे, बाकी कोई नहीं बना रहा है, देखो यहाँ पे अनुराधा ने भी बनाया, वेरी नाइस, ये देखो नेहा ने भी बनाया, श्रुति का मैडम ने भी बनाया यहाँ पे, ओके बाकी किसी ने नहीं बनाया यहाँ पे, ये देखो दिख ही रहा है मुझे यहाँ पे वर्किंग, श्रुति का मैम का नहीं आया, सत्कार चोपड़े का है, अरुधना का है, बाकी लोगों का नहीं आया, अंकित का है, बाकी लोगों का नहीं आ रहा था, इट्स ओके आपका लुकआउट है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। चलिए यहाँ पे मैसेज आ गया रहता, यहाँ पे आता ही नहीं मैसेज, आपको आ जाएगा, क्लियर हो गया क्या आपको, यस इतना क्लियर हो गया क्या, किसी को समझ में आया क्या आपको सभी को, यस सर। चलिए yes, इस तरह से वर्क फ्लो रहता है। चलिए अभी नेक्स्ट वर्क फ्लो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको डीएक्टिव कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ईमेल आता ही नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और अपने अपने दीक्षा के इसके ऊपर चले जाएंगे हम लोग, क्लियर हो गया आपको, दीक्षा के इसमें बराबर रिकॉर्ड आते हैं, होता है कभी कभी यहाँ पे। चलो फोर्स अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लॉग इन में जाते हैं, दीक्षा के साथ जाते हैं, यहाँ पे देखिए पिंकी जीएस रेट अभी हम लोग आपको एक नया टास्क बताते हैं क्या वर्क करना है मुझे तो, ओके अभी हम लोगों का प्रोसेस वर्क फ्लो बंद हो गया आपका, अभी हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट इसमें अपन चालू करेंगे यहाँ पे प्रोसेस बिल्डर, कल से चलिए यहाँ पे हम लोगों को वर्क क्या करना है आपको बता देते हैं हम लोग, प्रोसेस क्या करना है ध्यान दीजिएगा, कि हम लोगों को यहाँ पे न्यू टास्क का मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे एज्यूम करते हैं अनुराधा है, अनुराधा नाम की एक लड़की है, एग्जैक्टली यहाँ पे अनुराधा नाम की लड़की है, ओके तो इसको क्या कर देता है, टीम लीडर बोलता है कि आपको 2 दिन ये काम करना पड़ेगा, तो उसको क्या कर देता है, एक टास्क दे देता है, ध्यान दीजिएगा एक टास्क दे देता है, ओके और ये टास्क एक न्यू टास्क दे देता है, वो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, तो ये न्यू टास्क दे देता है, न्यू टास्क दे देता है, और वहाँ पे लिख के रख आता है, लिख के आता है कि अनुराधा कंप्लीट योर वर्क, अनुराधा कंप्लीट दिस वर्क
within 2 days, ये उसको एक टास्क दिया जाता है, जो भी टास्क दिया जाएगा, लेकिन ये एक मैसेज देते जाएंगे उसको कंटिन्यू, क्योंकि आपको ये 2 दिन में आपको काम करना है, समझ में आ रहा आपको, तो इसको बोलते हैं। और ये जो रहेगा ना वो अनुराधा के साथ कंटिन्यूसली अटैच रहेगा, अनुराधा को कंटिन्यू दिखते रहेगा कि आपको ये टास्क 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो हम लोगों को वो यूज़ करना है वर्क फ्लो के थ्रू। समझ में आ रहा है कि आपको, क्लियर हो गया? अनुराधा नाम की एक लड़की है, इसको कंपनी में टास्क मिला, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे टास्क मिला तो हम लोग क्या करेंगे, टास्क तो मिला उसको, अब टास्क मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो मैनेजर क्या करेगा, एक अपन बोलते हैं ना कमेंट डालता है अनुराधा को, कि आपको अनुराधा कंप्लीट दिस वर्क विद इन द 2 डेज। तो ऐसे अपने को क्या करेगा, उसको वो जो टीम लीडर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो उसको कमेंट डालता है, और वो कमेंट उसको दिखते रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग न्यू टास्क प्रोसीजर। तो ये क्या होगा कि अभी क्या होगा, यहाँ पे अज्यूम करो कि जो वर्क वो मैनेजर है, जैसे आपका आईटी मैनेजर है, अब उसके अंडर में 100 लोग रहते, तो 100 लोगों को क्या अनुराधा अनुराधा को सेपरेटली भेजेगा क्या, बाद में दूसरे एम्प्लॉय को ऐसे 100 लोगों को क्या सेपरेटली लिख लिख के भेजेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, एक वर्क फ्लो दे देगा, एक वर्क फ्लो बना देगा, उसमें एक न्यू टास्क बना देगा, और उसके अंदर वो कमेंट डाल देगा, और वो कमेंट क्या होगा, जिस जिस बंदे को जाना है उस बंदे के साथ वर्क करेगा वो, और वहाँ पे उसको दिखते रहेगा कि अनुराधा कंप्लीट दिस वर्क विथ इन द 2 डेज। बाद में वहाँ पे नेहा रहेंगी तो उसको बोला जाएगा कि नेहा कंप्लीटेड दिस वर्क विथ इन द 3 डेज, ऐसे करके उनको हर जन को टास्क चला जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको? तो वो रहता है न्यू टास्क प्रोसीजर, वो यूजिंग करने का पड़ेगा अपने को वर्क फ्लो के थ्रू। अभी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, कैसे बनाते हैं बताता हूँ आपको, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट मैनेजर के पास जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सेटअप में जाते हैं, वर्क फ्लो में जाना है ना मुझे, सेटअप पे जाना है मुझे। सेटअप में जाने के बाद होम पे जाते हैं हम लोग, होम पे जाने के बाद यहाँ पे वर्क फ्लो लिखते हैं, वर्क फ्लो, चलिए वर्क फ्लो रूल देखते हैं हम लोग, कौन सा एक्टिव है चेक कर लेते पहले, ये एक्टिव दिख रहा है, टाइम डिपेंडेंसी वाला, ये बड़ा तकलीफ देता है, डिलीट भी नहीं होता बहुत बार, वर्क फ्लो डिलीट नहीं होते रहे, पहले बता रहा हूँ। ऐसे आया ना सिंबल, तो इसको वापस से क्लिक कर देना है यहाँ पे, ये टाइम डिपेंडेंसी वाले को बहुत तकलीफ देता है वो वर्क करते वक्त। वापस चले जाना वहाँ पे, चलिए इस तरह से कुछ ना कुछ करना है। चलो अभी न्यू पे जाते हैं हम लोग, अभी हम लोग वर्क फ्लो डिसाइड करते हैं स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या मेरा सिनेरियो, समझ में आ गया कि आपको क्या करना है? तो यस स्टूडेंट डिटेल, मुझे अनुराधा नाम का अपन एक स्टूडेंट डिटेल बनाएंगे, और उसको अपन न्यू टास्क मतलब एक मैसेज कमेंट देंगे, ओके? वो देना पड़ता है, कंपनी में आता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे अपन देते हैं यहाँ पे रूल्स, यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे वर्क फ्लो, अनुराग दे देंगे, अनुराग अनुराग वर्क फ्लो फॉर न्यू टास्क। 4 टाइप के टैग ये रहते हैं ना आपके, एक रहता है आपका ईमेल अलर्ट, दूसरा अभी पढ़े अपने फील अपडेट, तीसरा आप लोगों का न्यू टास्क, और फोर्थ रहता है आप लोगों का आउटबाउंडिंग मैसेज। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ आउटबाउंडिंग मैसेज का मतलब, ओके? चलिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं, ओके? मतलब क्रिएट का मतलब क्या रहेगा बताओ बरा, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड के ऊपर वर्क करेंगे, ओके? अभी यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया आर मीट, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको वर्क फ्लो के क्या ड्रॉबैक होते हैं। तो वर्क फ्लो के वो ड्रॉबैक होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्क फ्लो के ड्रॉबैक्स होते हैं, तो ये ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस बिल्डर यूज करते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा था एक मैम ने यहाँ पे, पायल मैम ने पूछा था, ओके? तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जैसे एग्जाम्पल ट्यूशन फी देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स करते हैं, और यहाँ पे मैं 25,000 डाल देता हूँ। क्लियर हुआ क्या आपको? पायल मैम का ये क्वेश्चन था कि वापस अपन ट्यूशन फी डाल देते हैं, वेट अ मिनट, ट्यूशन फी डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, बाद में यहाँ पे इक्वल करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं 15,000 डाल देता हूँ। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे तो मैम का क्वेश्चन था कि यहाँ पे अपन ने क्यों नहीं फॉलो किया उसको। तो याद रखना वर्क फ्लो हमेशा रूल, देखिए वर्क फ्लो हमेशा एक ही कंडीशन के ऊपर लगाया जाता है,
अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना था कि ट्यूशन फी मेरी 25,000 रहेंगी तो वहाँ पे फुल पेड आना चाहिए, और उसी वर्क फ्लो के अंदर मेरी ट्यूशन फी 15,000 रहेंगी तो हाफ पेड आना चाहिए, और वही वर्क एक ही वर्क फ्लो के अंदर ट्यूशन फी मेरी 0 रहेंगी तो वहाँ पे नो पेड आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। वर्क फ्लो में अपन एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन के साथ काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या मैम आपको? ओके पायल मैम, हम लोग एक यस ही सर, कंडीशन के साथ काम कर सकते हैं। अब मुझे तीन कंडीशन लगाना तो ये ड्रॉबैक होता है। क्लियर हो गया आपको? समझ में रहा? क्राइटेरिया कोई भी एक ही मीट होता है, मतलब वर्क फ्लो के अंदर अपने को वर्क करना है तो एक ही कंडीशन के साथ काम करना है। लेकिन अभी पायल मैम को वर्क करना ही चाहिए, फुल पेड ट्यूशन फी जो रहेंगी आपकी, ट्यूशन फी 25,000 रहेंगी तो फी स्टेटस फुल पेड आना चाहिए, ट्यूशन फी 15,000 रहेंगी तो हाफ पेड आना चाहिए, ट्यूशन फी 0 रहेंगी तो नो पेड आना चाहिए। अब दिमाग में और भी रहेगा कि सर जिसने 10,000 रुपये भरेंगे तो वो क्या होगा, वो अलग क्राइटेरिया छोड़ दो, फिलहाल अपन तीन ही रखेंगे। ओके तो ये तीनों भी अपन वर्क फ्लो में यूज़ नहीं कर सकते, तो वर्क फ्लो एट अ टाइम एक ही कंडीशन के साथ काम करते हैं। तो मुझे काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीन वर्क फ्लो लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तीन कंडीशंस के लिए, इज इट क्लियर? दिस इज अ ड्रॉबैक इन अ वर्क फ्लो। वर्क इन अ वर्क फ्लो ओनली वन कंडीशन वर्क एट अ टाइम। ओके इफ यू क्रिएट अ मोर देन वन कंडीशन, 2, 3, 4 कंडीशन, तो दैट टाइम वर्क फ्लो ऑलवेज वर्क विथ अ सिंगल कंडीशन। ओके दे नॉट बी यूज फॉर मोर देन वन कंडीशन। इफ यू यूज तो यू क्रिएट अ नंबर ऑफ वर्क फ्लो फॉर द नंबर ऑफ कंडीशन। समझ में आ गया आपको? एक वर्क फ्लो में सर, एक ही कंडीशन वर्क की जाती है, आपको एक वर्क फ्लो में अंदर तीन कंडीशन के साथ काम नहीं कर सकते हम लोग। मुझे वर्क करना होगा तो मुझे तीन अलग अलग कंडीशन के लिए तीन अलग अलग वर्क फ्लो लिखना पड़ेगा, 10 होंगे तो 10 के लिए अलग अलग वर्क फ्लो लिखना पड़ेगा। तो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ वर्क फ्लो। इसलिए हम लोग प्रोसेस बिल्डर में वर्क कर सकते हैं, तो प्रोसेस बिल्डर में हम लोग एक साथ नंबर ऑफ कंडीशन के साथ काम कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। हेलो यस सर, स्टूडेंट डिटेल के जगह पे दूसरी कोई फील्ड ली तो वर्क कर सकेंगे ना यहाँ पे क्या? मल्टीपल स्टूडेंट, ये नहीं ट्यूशन नहीं नहीं फीस? नहीं 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 कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी एक। अब ट्यूशन फी 15,000 रुपये करना है, मुझे नहीं मोबाइल सर, नंबर ये चाहिए, नहीं कोई भी हाँ एक थी, कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन। आपका कहने का मतलब म्यूट कर दीजिए, आपका कहने का मतलब आपका ट्यूशन फीस रहेगा 25,000 रुपये तो फुल पेड आना चाहिए, तो बाद में अपने को यहाँ पे दूसरा फील्ड लेना है, कोई भी फील्ड ले लेंगे अपन। ओके नहीं एक ही कंडीशन, एक ही कंडीशन एट ए टाइम। वो ट्यूशन फी में तीन कंडीशन लगा या एक ट्यूशन फी में लगा, बाद में दूसरे फील्ड के ऊपर दूसरी कंडीशन लगा, तीसरे फील्ड के ऊपर तीसरी कंडीशन, नहीं चलेगा। ये एक वर्क फ्लो में एक ही कंडीशन चलती है। समझ में आ गया मैम? श्रुतिका मैम क्लियर हुआ मैम? यस सर। ओके यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे ईमेल अलर्ट पे चला जाते हैं हम लोग। नॉर्मल नॉर्मल सर, इसको क्राइटेरिया ट्राई करके देखेंगे। देखो ना एक्चुअली मैंने करके दिया, नहीं होता है मैम, नहीं होता है ना, इसलिए मुझे पता है। आप ट्राई करके देखिए। अभी मैं आपको एक एक लड़की है आंचल करके, उसने बनाया था, उसने ट्राई किया नहीं हुआ तो बाद में उसने तीन वर्क फ्लो अलग अलग लिखे थे, इसलिए उसने बताया था। अभी अपन देखेंगे ओके यहाँ पे सर, ईमेल क्या दे देंगे, यहाँ पे गौरी ये वाला ही ईमेल डाल देते हैं हम लोग, बाद में हम लोग कंडीशन डाल देते हैं। मतलब वर्क फ्लो एट अ टाइम एक ही कंडीशन के साथ काम करता है, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए वो मेरा वर्क फ्लो हो गया यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन रहेगा आपका। देखो यहाँ पे न्यू टास्क, न्यू ईमेल अलर्ट, उसके बाद न्यू फील्ड। तभी अपन ने न्यू न्यू ईमेल अलर्ट पढ़ाया आपको, न्यू फील्ड अपडेट पढ़ाया मैंने आप लोगों को, अभी ये न्यू टास्क मेरे ख्याल से अभी ये कर रहे हैं हम लोग, और न्यू ऑनबोर्डिंग मैसेज, तो ये आपको मैं पढ़ा दूंगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये न्यू टास्क जो है अभी पढ़ रहे हैं अपन, न्यू बॉन्डिंग मैसेज मैं आपको एक साथ बता दूंगा लास्ट टाइम कैसे होता है। तो इसमें अपन मैसेज भेजते हैं, जैसे आपको अपन ये डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, एटीएम के थ्रू पैसे निकालते हैं, जैसे ही मैं एटीएम के थ्रू पैसे निकालता हूँ ना, तो वैसे ही मुझे, ध्यान दीजिएगा, वैसे ही मुझे क्या होता है, मैसेज आ जाता है मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। तो क्या होता है, मेरा ये जो रहता है, क्या बोलते हैं आपका, मैंने मेरी जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका सॉफ्टवेयर अलग इसमें है। क्लियर हो गया आपको? और मोबाइल के ऊपर मुझे मैसेज अलग आता है, मोबाइल मेरा एमआई का मोबाइल है एज्यूम करो, तो उसका अलग वर्क रहता है। तो एक क्या बोलते हैं,
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब मुझे डाटा भेजना है या मैसेज भेजना है तो उसको बोलते हैं आउटबाउंडेड मैसेज। आउटबाउंडेड मतलब एक सिस्टम, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का सॉफ्टवेयर अलग सिस्टम में लिखा हुआ है, वो सेलफोर्स में है, लेकिन एमआई का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें ईमेल आ रहा है वो जो रहता है ना वो अलग एमआई का सॉफ्टवेयर है। तो मुझे एक फील्ड से, मतलब मुझे एक सिस्टम से, एक एप्लीकेशन से, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में मुझे मैसेज भेजना है तो उसको अपन आउटबाउंडिंग मैसेज बोलते हैं। क्लियर है क्या आपको? ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी अपने को न्यू टास्क में जाना है तो ये न्यू टास्क में जाएंगे। अब बहुत जगह पे यहाँ पे न्यू टास्क दिखता नहीं है बहुत लोगों को, ये न्यू टास्क दिखेगा नहीं, न्यू ईमेल दिखता है, न्यू फील्ड दिखता है, न्यू बॉन्डिंग मैसेज दिखता है, तो ये न्यू टास्क दिखता नहीं बहुत लोगों को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपन यहाँ पे डुप्लीकेट में चले जाते हैं, डुप्लीकेट में जाते हैं हम लोग, और मैं आपको बता देता हूँ। डुप्लीकेट में जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाने के बाद ट्यूशन फी में स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट डिटेल में जाइए, इज इट क्लियर? और स्टूडेंट डिटेल को हम लोग एडिट करते हैं, इसको क्लिक करो आप लोग। इसको क्लिक करने के बाद एडिट में जाओ आप लोग। एडिट में जाने के बाद बहुत बार कभी कभी होता है, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, देख लो आप लोग। आपको न्यू टास्क मिलता हो तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता होगा तो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देते हो, देखो ऐसा ब्लैंक रहता है वो, ध्यान दीजिएगा। और ये भी ब्लैंक रहता है आपका, तो आप लोग क्या करोगे, ये चारों को क्लिक करोगे, इसको भी क्लिक करोगे, ये भी ब्लैंक रहेगा तो इसको भी क्लिक करोगे, इसको भी क्लिक करेंगे और इसको सेव कर दोगे, ऐसा करके इसको सेव कर दोगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही ये सेव कर दोगे आप लोग तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे न्यू टास्क। इसको रिफ्रेश कर देना, मेरे पास है इसलिए, लेकिन आप इसको जब रिफ्रेश कर दोगे तो यहाँ पे न्यू टास्क आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे किसी का नहीं आ रहा है तो हम लोग स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाएंगे। स्टूडेंट डिटेल के जाने के बाद एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद वो जो है उसको क्लिक करवा देंगे हम लोग, ओके। और उसके बाद में हम वापस ये विंडो में आएंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे तो उसके बाद आपका न्यू टास्क दिखेगा। तो अब ये न्यू टास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। न्यू टास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद नाम दे देते हैं अपन यहाँ पे असाइन टू, तो यहाँ पे अपन न्यू टास्क देंगे हम लोग असाइन टू। किसको देना है हम लोगों को? दीक्षा को देना है। सब्जेक्ट दे देते हैं हम लोग यहाँ पे न्यू टास्क फॉर स्टूडेंट, न्यू टास्क न्यू टास्क फॉर क्रिएटिंग न्यू रिपोर्ट, न्यू क्लियर हो गया आपको? न्यू रिकॉर्ड दे देंगे हम लोग। अब मुझे कितने दिन के लिए उसको दिखाना है, ड्यू डेट कितने दिन के लिए मुझे दिखाना है, तो जैसे ही मेरा वर्क फ्लो होगा वहाँ से मुझे कितने दिन दिखाना है उसको, 2 दिन। मैं अनुराधा को बोल रहा हूँ ना कि ये 2 दिन दिखना चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको? ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब ये न्यू टास्क उसको कितने दिन दिखना चाहिए। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? ओके अनुराधा, ये इसको कमेंट दिखना चाहिए। बाद में स्टेटस देंगे नो स्टार्ट करके रहने दीजिए, और इसकी प्रायोरिटी देंगे हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी पे वो शो करेगा। ओके नीचे जाते हैं, इसको इसको सेव कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका, इसको डन कर देते हैं हम लोग और एक्टिव कर देते हैं इसको, एक्टिव करना ज़रूरी है। चलिए हो गया, मेरा वर्कफ्लो बन गया यहाँ पे। चेक करना है तो अपन चेक कर सकते हैं वर्कफ्लो के अंदर। चलिए यहाँ पे देखिए, ओके हम लोग पुराने इसमें जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये इसको तो आ जाएगा यहाँ पे। अभी मैं आपको बता देता हूँ मार्कशीट के अंदर, देखो यहाँ पे मार्कशीट के अंदर ये इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ देखो ये कैसे दिख रहा है आपको, इसके आगे से कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो आपका मार्कशीट है, मार्कशीट के अंदर सिर्फ आपका रिकॉर्ड दिख रहा है, रिकॉर्ड दिख रहा है इंग्लिश के मार मराठी में। इसको टास्क दिया है क्या? ये टास्क यहाँ पे आता है आपको, क्लियर गया? यहाँ पे टास्क नहीं दिया, लेकिन अभी स्टूडेंट डिटेल में अपन जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे न्यू टास्क करते हैं हम लोग। देखिए न्यू टास्क करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपन दे देते हैं अनुराधा,
मैंने मैसेज नहीं भेजा है, मैं बता रहा हूँ XYZ। ओके, मिडल नेम नहीं देते, मोबाइल नंबर अपन डाल देते, ईमेल आईडी नहीं डालते, डेट ऑफ बर्थ भी, ट्यूशन भी डाल देते, 15,000 डाल देते। ओके, बाद में हम लोग इसको जेंडर डाल देते फीमेल करके, एग्जाम्पल ऐसे कुछ तो भी डेटा फिलअप कर रहा हूँ आपको। ओके, और यहाँ पे अपन इंडिया डाल देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं हम लोग। चलो सेव कर दिया इसको, जैसे मैं सेव कर दूंगा तो ये डेटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया क्या आपको, देखो एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्लिक करो आप लोग, नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे दिखेगा उसको। आ गया अपना अनुराधा यहाँ पे ना, ये देखो अनुराधा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे एक्टिविटी, यस न्यू टास्क, यस आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करो आपको न्यू टास्क, तो उसको दिख जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख के आएगा देखिए नीचे कमेंट में, अनुराधा कंप्लीटेड दिस वर्क फॉर 2 डेज, तो ये 2 दिन दिखते रहेगा उसको। समझ में आ रहा है कि आपको, इतना क्लियर हुआ कि आपको न्यू टास्क कैसे वर्क होता है, तो एनी डाउट्स? नो सर। चलिए वेरी गुड।